हेलो गाइस, माय नेम इज सेड, वेलकम टू मिस्टर हेड यूट्यूब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गूगल शीट्स। दोस्तों, गूगल शीट्स जो है सिमिलर है एक्सेल के, सो लेट्स गेट स्टार्ट। गूगल शीट इफ फंक्शन। तो दोस्तों, इफ फंक्शन जो है इट इज अ प्रीमेड फंक्शन इन गूगल शीट्स, एंड ये जो रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स, मतलब जो अगर आपकी कंडीशन जो है ट्रू हो गई तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, एंड अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स की जगह आप यस नो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो सिंटेक्स है यही है, इक्वल टू लगाएंगे एंड इफ लगाएंगे, जिसके बाद हमारे जो कंडीशन रहेगी वो हम यहाँ कंडीशन देते हैं। इसमें हम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। तो ये हमारे इफ का सिंटेक्स है। एंड अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमने कुछ वैल्यूज़ ली हैं हेडर्स में, एंड इसको हम कलर दे देते हैं कुछ, एंड यहाँ हमारे पास कुछ नेम्स हैं। तो ये नेम्स ले लिए हैं, ये कुछ हेडर्स हैं, जिसके बाद हम जो हैं अब इसमें से फ़िल्टर करने वाले हैं कि इफ़ फंक्शन से कि इसमें ग्रास है या नहीं है वो बताइए हमको। तो यहाँ सिंपल सा इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ फंक्शन का यूज़ किया, एंड इफ़ फंक्शन का यूज़ करने के बाद हमको कंडीशन लगानी होगी। और कंडीशन कैसे लगाएंगे, ये B2 है, B2 पे गए, अगर B2 इक्वल टू ग्रास है तो बताइए हमको। तो हाँ, चलिए ग्रास, ठीक है, B2 इक्वल टू ग्रास, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि हाँ इसमें ग्रास है, B2 इक्वल टू ग्रास है, तो हाँ ये सही है कंडीशन। तो इसके बाद आप जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो करा सकते हैं इससे। मान लीजिए आप यस और नो कराना चाहते हैं, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पहले यस वाले में जाएगा, एंड कंडीशन फॉल्स हुई तो नो वाले में जाएगा। तो आप यहाँ यस नो भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हाँ ना कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग है वो। एंड यहाँ आप इंटर करेंगे तो इसने बोला यस, तो ये कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया है सिंपल सा, इक्वल टू लिखा, इफ लिखा, B2 इक्वल टू ग्रास लिखा। अगर यहाँ पे B2 में जो अगर ग्रास है तो हमें प्रिंट कराइए कि यस, नहीं है तो नो। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट कराया है कि यस और नो में, तो इसने बोला हमको कि यस है। चलिए हम नीचे ड्रैग करके लेके आते हैं इसको, तो ये बता देगा हमको कि हाँ यस नो, कहाँ कहाँ पे ग्रास है एंड कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ इसने बताया यस यस यस, फिर नो 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 नो, फिर यस यस यस, फिर नो 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 नो। तो हम इसको फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली मैच करेंगे एंड यस एंड एंटर करेंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि इस जगह पे ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ यस 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 तीन जगह पे है, यस 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 एंड यहाँ भी यस यस यस, तो इस जगह पे जाके ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब यहाँ ग्रास है एंड यहाँ ग्रास है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ भी ग्रास है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ भी ग्रास है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड जहाँ कंडीशन ट्रू नहीं हुई वहाँ इसने पीछे वाला प्रिंट किया है, मतलब पहले तो इसने इस वाले लूप में गया है तो यहाँ यस प्रिंट किया, एंड अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नो वाला पीछे वाला प्रिंट कर रहा है। अब हम नंबर्स वाला देख लेते हैं एक एग्जांपल, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ हम सिंपल सा इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद इफ, हमारा जो फॉर्मूला है इफ, एंड इफ के बाद जो है हम यहाँ अगर वैल्यूज़ जो है, मतलब ये जो सी टू में जो वैल्यू है अगर वो कम है 5, मतलब 500 से कम है, तो आप प्रिंट करो यस और नो, या फिर हाँ ना कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैंने लिख दिया कि हाँ अगर 500 से कम है तो हाँ प्रिंट करेगा, एंड नहीं है तो ना, ना को आपको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमा में, नहीं तो वो वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करेगा, एरर देगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ से आप एंटर करेंगे तो ऑटो फिल भी कर सकते हैं, यहाँ आप ऑटो फिल करेंगे तो यहाँ चेक करें तो हाँ हाँ, मतलब ये दो वैल्यू जो हैं हाँ हाँ में आइए, मतलब ये 500 से कम है, हाँ ये 318 500 से कम है, ये 405 500 से कम है, ये 500 से ज़्यादा है, मतलब ये ना, ये ऐसे होता है इफ फंक्शन यूज़। यहाँ आप आगे इसने वैल्यू ना पे ले गया है, मतलब ये 500 से कम, ये इसमें हाँ बोला, इसने हाँ बोला इसमें, तो ये जो है वैल्यू ऐसे फिल्टर कर रहा है। आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं कि वैल्यू जो है
ना कितनी जगह आई है, हाँ कितनी जगह आई है, ना वाली देख लेते हैं अपन। तो कितनी जगह ना आई है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ना है, यहाँ पे ना है। जहाँ भी ना होगा वो वैल्यू जो है 500 से ज़्यादा होगी, उस वाली रो की वैल्यू ये देख लीजिए आप, इसकी 500 से ज़्यादा है एंड इसकी 500 से ज़्यादा है, इसकी 500 से ज़्यादा है। तो ये है इफ़ फंक्शंस। आई होप आपको इफ़ फंक्शन समझ आ गया होगा कि इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ होता है। सिंपल सा सिंटेक्स से इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, जिसके बाद सी टू जो भी आपकी कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी लगा सकते हैं आप अपने कोडिंग। फिर जिसके बाद में जो ट्रू वाली वैल्यू होगी वो दें, जिसके बाद फॉल्स वाली वैल्यू होगी वो दें, तो आपका ये प्रिंट कर देगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।